नमस्कार दोस्तों, आज के हफ्ते का हमारा सवाल है, जब हम किसी लक्ष्य पर, किसी ड्रीम पर, किसी इच्छा पर, डिजायर पर काम कर रहे हैं तो हमें उससे डिटैच होना भी जरूरी है। तो सवाल ये है कि कैसे डिटैच होना है, क्योंकि हम तो 24 घंटे उसी डिजायर के बारे में, उसी लक्ष्य के बारे में सोचते रहते हैं, तो डिटैच कैसे हो जाए। सवाल बहुत ही सटल है और ये जानना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे जाने बगैर अगर आप उस पर काम करते हैं, अपने डिजायर पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कोई भी टेक्निक अप्लाई करते हैं, तो आप उसको आसानी से नहीं पा सकते, क्योंकि डिटैच होना भी उतना ही जरूरी है जितना कि उसपे पूरा ध्यान देकर, पूरा फोकस होकर, पूरा एकाग्र होकर काम करना जरूरी है। तो आइए देखते हैं कि डिटैच कैसे होना है, क्योंकि एक दो बुक्स के समरी में मैंने ये बताया था और काफी सारे व्यूअर्स ने मुझे पूछा है कि डिटैच कैसे होना है, इससे इसके बारे में बात कीजिए, डिटेल में बताइए। तो इसलिए ये आज का वीडियो है। तो दोस्तों, मान लीजिए कि कोई एक आपका पर्टिकुलर गोल है, सपना है, आपका ड्रीम है और आप उस पर काम कर रहे हैं, विजुलाइजेशन कर रहे हैं, अफर्मेशंस ले रहे हैं और कई सारे और भी टेक्निक्स आप यूज कर रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं, तो उसे करते वक्त जब आप उसको करते हैं उस वक्त तो आपको उसमें पूरा फोकस रहना है, पूरा ध्यान देना है, 100% उसी को करना है। जितना वक्त आप करेंगे उतना वक्त, क्योंकि हम ये 10-15 मिनट, आधा घंटा से ज्यादा नहीं कर सकते, तो उस वक्त आपको पूरी तरह फोकस रहना है। लेकिन उसके बाद के आपके जो 20-22-23 घंटे है, उस वक्त अगर आप उस पर्टिकुलर ड्रीम के बारे में, उस पर्टिकुलर डिजायर के बारे में चिंता करने में वक्त बिताएंगे या उसके विपरीत विचार अगर आपके मन में आते रहेंगे और आप उनको होल्ड करेंगे, आप उस पे ही ध्यान देंगे और उसी के बारे में सोचते रहेंगे कि हाँ कैसे पॉसिबल है, ये तो नहीं हो सकता, बाहर माहौल तो कितना विपरीत है, तो आपका जो आधा घंटा या जितना भी काम आपने किया है वो सारा बिल्कुल निगेट हो जाता है, मतलब उसका कोई उपयोग नहीं होता है। क्योंकि जैसे कि हम उस पे फोकस करेंगे उसके बाद तुरंत, ताकि हमारे ये नेगेटिव विचार ना आए उस पर्टिकुलर डिजायर के बारे में, उस पर्टिकुलर ड्रीम के बारे में, तो हमें क्या करना है कि उस सपने से, उस ड्रीम से, उस गोल से हमें अपने मन को डिटैच करना है। डिटैच मतलब अलग कर देना है। अब अलग कैसे करें, तो जैसे ही पहली बात तो आपके मन में अगर ये विचार आते हैं तो आपको इमीडिएट तुरंत ये सोचना है कि नहीं, अभी मुझे इसके बारे में कुछ नहीं सोचना। ये सेल्फ टॉक आपको करना पड़ेगा, सेल्फ टॉक पर भी हम एक अलग वीडियो बनाएंगे, लेकिन आपको ये कहना पड़ेगा कि अभी मुझे कोई विचार नहीं करना, जब जितना टाइम मैंने देना था वो टेक्निक अप्लाई करने के लिए इस पर्टिकुलर बात की, तो वो मैंने दे दिया है, अब मुझे इस पे इस वक्त नहीं विचार करना, इस वक्त मैं जो काम कर रही हूँ और जो मुझे करना है मैं सिर्फ और सिर्फ उसी के बारे में सोचूंगी। दूसरी बात है, आप इसे अंडरस्टैंडिंग लेवल पे, समझने के लेवल पे कैसे सोच सकते हैं, कि जैसे कि अगर आप जब भी कोई एग्जाम देते हैं, आपकी कोई परीक्षा होती है, आप क्या करते हैं ना कि पढ़ लेते हैं पूरा जितना सिलेबस है, जितना आपसे हो सके, जितना हम कर सकते हैं, हमारी जितनी कैपेसिटी है। उसके बाद जब हम एग्जाम देने जाते हैं और एग्जाम देते हैं, तो उसके बाद हम चिंता नहीं करते हैं कि अभी क्या होगा, कितने मार्क्स मिलेंगे, ये होगा वो होगा। एक्चुअली नहीं करना चाहिए, कुछ लोग ये भी करते हैं, वो गलत बात है, क्योंकि मैंने जो करना था, मेरे लिए जो पॉसिबल था वो तो हो चुका है। अब उस पे थॉट देने से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि वो रिवर्स में तो नहीं जा सकते हम, तो इसलिए हमें ये थॉट सारे छोड़कर आगे जो आ रहा है हमारे पास कि आगे हम क्या कर सकते हैं, अभी मेरे हाथ में क्या है, मैं क्या उस पे काम कर सकती हूँ, इसके बारे में सोचना बहुत जरूरी है। और इस तरह से अपने आप को, एक बार पढ़ाई कर ली, एक बार एग्जाम दे दिया और उसके बारे में परीक्षा दे दी, उसके बारे में अब रिजल्ट क्या होगा ये हम कभी नहीं सोचते और ना ही हमें सोचना चाहिए। बिल्कुल उसी तरह हम फिर क्या करते हैं ना, छुट्टियां जब आती है एग्जाम के बाद, नॉर्मली छुट्टियां होती है तो हम पूरा बिंदास आराम से खेलते हैं, कूदते हैं कि देखा जाएगा जब रिजल्ट आएगा तब। बिल्कुल वही चीज हमें करनी है
कि हमें एक बार हम जब फोकस करते हैं आधा घंटा जो भी हम देते हैं 10-15-20 मिनट इमेजिनेशन करते हैं, विजुलाइजेशन करते हैं, उसके बाद हमें बिल्कुल खुश रहना है, अपने अपने काम में व्यस्त हो जाना है, अपने खुशियां अपनी जो है आसपास उसको मनाना है, ये चिंता नहीं करनी कि मैंने तो काम किया अब होगा कि नहीं, कैसे होगा, कुछ आसार तो नहीं दिख रहे होने के, ये बिल्कुल नहीं करना है। इसको छोड़ देने का मतलब ही डिटैच होना है। तो अगर आप इस तरीके से अपने आप को डिटैच कर सकते हैं तो आपकी डिजायर बहुत फास्ट और जल्दी पूरी हो जाती है। ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, एक लैक है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के सफल होने में, क्योंकि बहुत सारे लोग ये छोटी छोटी बातों को नहीं समझते और उन्हें लगता है मैं तो 24 घंटे उसके चीज के बारे में, अपने ड्रीम के बारे में सोचती हूँ, फिर क्यों नहीं वो हो रहा, क्योंकि आप डिटैच नहीं हो पा रहे हो। और 24 घंटे में फिर क्या हो जाता है ना कि ज्यादा घंटे हम नेगेटिव ही सोचते रहते हैं, हम यही सोचते रहते हैं कि कैसे होगा, कुछ होता हुआ दिख तो नहीं रहा है, होगा कि नहीं होगा। तो जाहिर है कि जो आपके डोमिनेंट एनर्जी होती है, यानी कि जो डोमिनेंट विचार होते हैं, भावनाएं होती है, वही ब्रह्मांड आपको परोस देता है, आपकी थाली में परोस देता है, आपके सामने लेकर आता है, हकीकत बनाता है आपकी। तो अगर मुझे इन नेगेटिव विचारों से जो मैं चाहती हूँ उसके लिए दूर करना है अपने आप को, तो मुझे डिटैचमेंट सीखना पड़ेगा। फिर चाहे आप कोई भी उसके लिए टेक्निक अप्लाई करो या खुद को समझाओ, या फिर ये कहो कि मुझे इस पे अभी बात नहीं करनी है, अब तो मेरी छुट्टी के दिन है, मैंने काम करना था, एग्जाम देनी थी, तब तक पढ़ाई करके दे दिया, अब मैं अपनी जिंदगी एंजॉय करूंगी, बाद में जब रिजल्ट आएगा देखा जाएगा। इस तरीके से अपने आप को समझाना है और डिटैच करना है, ताकि आप अपने ड्रीम को बहुत जल्दी और फास्ट पा सको। तो आई होप कि जिन जिन लोगों को डिटैचमेंट कैसे करना है ये समझ में नहीं आया था, उनके लिए ये एक्सप्लेनेशन काफी है और उनको ये बात अब अच्छे से समझ में आ जाएगी। अगर आपको और भी कोई डाउट है इसके बारे में या आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर भेज सकते हैं, और अपने सारे दोस्तों के साथ, नियर एंड डियर वंस, लव्ड वंस के साथ ये वीडियो शेयर भी कर सकते हैं, ताकि हर कोई अपने सपने के लिए डिटैचमेंट सीख के अपना सपना जल्दी से पूरा कर सके। धन्यवाद।